नाम है उपासना है और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सब कैसे हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और मेरी आज की जो वीडियो है वो है ये क्रिसमस मेकअप लुक के ऊपर। सो ये लुक मैंने कैसे अचीव किया है तो आप इस वीडियो को फुल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने इस वीडियो में ज्यादा कुछ ऐसे हेवी मेकअप नहीं रखा हुआ है, मैंने बेसिक सा ही रखा हुआ है जो आप आसानी से घर पे अपने कर सको। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मेकअप मैंने कैसे अचीव किया है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, प्लीज कमेंट करें ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी फैमिली में कौन कौन से लोग ऐड हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मेकअप मैंने कैसे किया है। सो मैं अब यहाँ पे यूज करूंगी एमोलिन मॉइस्चराइजिंग क्रीम। सॉरी मैंने ट्यूब थोड़ा उल्टा पकड़ लिया है तो उसके लिए सॉरी। और मैं इसे भी अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का लिप बाम। और अब यहाँ पे मैं यूज करूंगी फाउंडेशन। और फाउंडेशन यूज कर रही हूँ मैं मेबलिन फिटमी वाली। और इसे अच्छी तरीके से मैंने शेक करके अपने बैक ऑफ माय हैंड पे ले लिया है एंड देन अब मैं उसे पूरे अपने फेस पे स्प्रेड करूंगी एंड नेक पे स्प्रेड करूंगी। और इसे मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी पूरे फेस पे। सो फाउंडेशन ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है आपको और इसे पेशेंस के साथ थोड़ा करना पड़ता है क्योंकि अभी और वैसे भी ड्राई स्किन हो जाती है, बहुत ज़्यादा विंटर का टाइम है तो उसे ब्लेंड करने में और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और अब यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ NY Bay की आईब्रो पेंसिल। और ये इसका कलर बहुत अच्छा है, पिगमेंटेशन भी इसकी अच्छी है और नेचुरल आपको फिनिश भी देता है और अप्लाई करने में भी काफ़ी अच्छा है। और अब यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज़ को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ कंसीलर का। और ये कंसीलर है MN ब्रांड की। सो अब मैं अपने आईलेट्स पे अप्लाई करूंगी कंसीलर और अंडर आई एरिया पे, माउथ के अराउंड और जो भी मुझे हाईलाइट करना है पार्ट उस पे, नोज पे और चिन पे, इन सभी एरियाज पे मैं अच्छी तरीके से हाईलाइट करने के लिए और अपने जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उनको हाइड करने के लिए कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। वैसे मुझे डार्क स्पॉट्स के इश्यूज़ नहीं है बट अभी मैंने थोड़े काफ़ी दिनों से अपर लिप्स नहीं कराए तो इस वजह से थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। सो अब मैं इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। सो अब मैंने कंसीलर अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है और अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क पिंक कलर अपने आई शेडो बेस के लिए। सो पिंक आई शेडो पिक करके मैं अपने पूरे आईलिड को कवर कर लूँगी और मैं दोनों साइड सेम कर लूँगी। सो अब मैं यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ लाइट ब्राउन कलर और ये मैं अपने आउटर वी पे प्लेस करूँगी। सेम मैं अपने दूसरी आई पे भी करूँगी। सो अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ डार्क पिंक कलर शिमर वाली। सो अब मेरे जितने भी फॉल आउट्स हैं उसे मैं क्लीन ब्रश की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। और अब अप्लाई करूँगी यहाँ पे मैं आईलाइनर और ये आईलाइनर है ओरिफ्लेम की, मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में मेकअप वीडियोस में यूज़ किया हुआ है। मुझे ये आईलाइनर काफ़ी पर्सनली पसंद है और इसका जो एप्लीकेटर है वो काफ़ी अच्छा है। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ विंग्ड आईलाइनर, आप देख सकते हो बहुत ईजी स्टेप्स है। मैं पहले आउटर वी पे विंग बनाती हूँ एंड देन उसे ज्वाइन कर देती हूँ। अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए अलग से तो मैं आपको दे सकती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अब ग्लिटर आईलाइनर और ये आईलाइनर है Glam 21 की। ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज किया था और मुझे ये काफ़ी पसंद है। इसकी एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी है और ना ये बहुत ज़्यादा थिक भी है, आप देख सकते हो अगर मैंने अप्लाई जो किया है वो कितने अच्छे तरीके से उभर के आ रहा है।
और यहाँ पे मैंने ग्लिटर आईलाइनर से बस आउटलाइन किया है अपने ब्लैक आईलाइनर को। और अब यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैं मेबलिन की। मैं अपने दोनों आई लैशेस को कोट कर लूँगी मस्कारा से। एंड देन अब यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं काजल, और काजल मैं यूज़ कर रही हूँ एस क्यू की। और मैंने जितना भी मेकअप प्रोडक्ट अभी यूज़ किया है इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए, मैं सबके नेम आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप चाहो इन केस चेक करना तो आप चेक कर सकते हो। सो मैं अब अपने लोअर लैश लाइन पे भी मस्कारा अप्लाई कर लूंगी अच्छी तरीके से। और ये मस्कारा काफ़ी अच्छा है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा, और आपको इसकी रिव्यू वीडियो जल्दी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अभी ब्लश, और ब्लश भी मैंने यूज़ किया है अभी जो मैंने जिस आई शेडो पैलेट किट से यूज़ किया था आई शेडो, और इसकी पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है ब्लश की। सो इसका रिव्यू वीडियो भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं लिपस्टिक, और लिपस्टिक यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स की। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, और हाइलाइटर भी मैंने मेबलिन की यूज़ की हुई है। सो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये आज का लुक अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सेव वाटर, सेव ट्री, सेव एनवायरमेंट, स्टे होम, स्टे सेफ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।